शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से। कीर्ति, आंखें खोल कीर्ति। ये तो नीचे से श्रद्धा के चिल्लाने की आवाज आ रही है। कौन? कीर्ति, कीर्ति, कीर्ति उठ, कुछ नहीं होगा तुझे कीर्ति, कीर्ति उठ, कीर्ति, कीर्ति उठ, कीर्ति, आगे खोल कीर्ति, मेरी आवाज सुन कीर्ति, कीर्ति, क्या हो गया तुम्हें? ये बताओ कीर्ति को क्या हो गया? मम्मी जी, कीर्ति अलमारी में बंद हो गई थी। भगवान, कीर्ति सांस भी नहीं ले रही है, समझ नहीं आ रहा कितनी देर से अंदर बंद थी। कुछ कीजिए ना प्लीज बुआ जी, आप भी कुछ कीजिए ना, कुछ नहीं होगा कीर्ति को। कीर्ति, कीर्ति उठो। श्रद्धा बेटा, कीर्ति को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। नहीं, हॉस्पिटल नहीं, मेरा मतलब है कि बस बेहोश ही है ना, पानी वानी डालो, होश में आ जाएगी। माँ जी, मैंने हर कोशिश कर ली है लेकिन कीर्ति को होश नहीं आना है। कीर्ति, उठ कीर्ति, मेरी आवाज सुन, कुछ नहीं होगा तुझे कीर्ति, उठना होगा तुझे मेरे लिए कीर्ति। कीर्ति, कीर्ति उठ, होश आ गया, आराम से, आराम से जा। कीर्ति, तू ठीक तो है ना? भगवान, माता रानी का शुक्र है कि इसे होश आ गई। लेकिन भाभी, ये अलमारी में बंद कैसे हो गई थी? हमने तो बस सुबह कॉफी पिया, फिर कैसे बेहोश हो गया, मैं कुछ याद ही नहीं है। गुलाल, कहाँ है वो? छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। हाँ, ये हरकत ना सिर्फ उस गुलाल की हो सकती है, उसे तो सीधे जेल में डालना चाहिए। हेलो अभय, अभय, श्रद्धा बेटा, क्या 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 हो गया अभय को, कहाँ है वो? नहीं, नहीं, श्रद्धा, श्रद्धा बताओ तुझे क्या हुआ, क्या हो गया हमारे बेटे को? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी अभय को छोड़ने की भी? यहां तो कोनो बड़ा कांड लग रहा है ए भाई लोग, इनका चेहरा देखो, चेहरा पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इनके चेहरे में कि भीतर बंद कमरा में का गुलशन खिल रहा है, लड़का लड़की के बीच में ही देखिए, बताइए भाई लोग। ये क्या बकवास किए जा रहे हैं आप, बिना देखे जो मन में आए बोलते रहेंगे, कुछ नहीं हुआ है यहाँ। अच्छा, आपको बड़ा पता है क्या चल रहा था अंदर, क्या बे, क्या बेशर्मी चल रही थी अंदर? दो लोग किसी वजह से कमरे में फंस जाए
तो ये सब बातें करेंगे आप? फंस गए या फंसा गए इस लड़की को? शर्म आनी चाहिए आपको इज्जतदार लोगों के बारे में ऐसे बोलते हुए। अरे एक तो आपको कुछ पता ही नहीं है और आप बोले जा रहे हैं हमारा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता है। और जरूरी नहीं है कि हर बार गलती लड़के की हो, कुछ लड़कियां भी होती है जो फंसाने में माहिर होती है। अरे इका फंसने फंसाने की बात कर रहे हो जी है? अरे जो सच में फंसे रहते तो कमरा भीतर से ना खुलता का भाई लोग। अगर किसी को जबरदस्ती अटकना ही हो कमरे में तो वो अंदर से भी अटकाया जा सकता है। हाँ हाँ, किसी ने अटकाया होगा इनको और अटकने के बहाने मौज ले लिया। ओए, जबान संभाल कर बात कर। बेशर्मी करे तू और आंखें हमें दिखाता है। मारो इसको। हाँ हाँ मारो। हाँ हाँ मारो इसको। हाँ हाँ मारो इसको। मारो इसको। मारो मारो। हाँ हाँ मारो मारो भाई लोग मारो। अगर आप में से किसी ने हाथ भी लगाया है तो आप लोग होते कौन है अभय जी पे उंगली उठाने वाले? यहाँ जो भी था वो पति पत्नी के बीच था। आपको सब देखा लेकिन हमारी सिंदूर भरी मांग नहीं देखी। पति पत्नी के बीच में आप लोगों को नहीं आना चाहिए था। ओ भाई साहब, बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा, निकलो अभी यहाँ से। ओहो, तो पहले बोल देते कि दोनों बिहाता है, हाँ? इतना थोड़े ना बोलते। अरे चलो भाई लोग, करें मजा जो करें, बंद कमरे में पति और पत्नी। चलो चलो। तो ये करना था तुम्हें गौरी, सबकी नजरों में मेरे बेटे को बदनाम करना था। जितनी बदनामी आज हुई है ना अभय, सिर्फ आपकी नहीं हमारे रिश्ते की भी हुई है। कैसे कर सकते हैं आप ऐसा? शुदम, मेरी बात सुनो तुम। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। वो जो तुमने देखा वो सच नहीं है। क्या सच है क्या झूठ है अभय, उससे अब क्या फर्क पड़ता है? ये सब कुछ हो गया अभय और आपने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तुम पहले शांत हो जाओ, मुझे नहीं पता है वहां क्या हुआ। तो क्यों सुनूं मैं आपकी बात? हाँ क्यों सुनूं मैं आपकी बात? और आज जो हुआ है ना आपे, बहुत गलत हुआ है। श्रद्धा प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सुननी मुझे आपकी कोई भी बात। अभी सुनना पड़ेगा तुम्हें। क्यों सुनूं मैं आपकी बात? हाँ जब आप मेरी एक बात नहीं सुनते हैं, नहीं सुनूंगी मैं आपकी कोई भी बात। वो गौरी के पीछे पड़ गए। हमारे पीछे वो गुंडे ऐसे पड़े जैसे हमें मार के ही रुकेंगे। इसी तरह अपनी जान बचाते हुए हम उस कमरे में छिप गए थे। फिर अभय जी वहाँ पहुंचे और गुंडों से उन्होंने हमारे लिए लड़ाई की। उनके साथ लड़ाई में मेरे सर पे डंडा मारा और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया दरवाजा खुल नहीं रहा था। मैं बहुत कोशिश की पर दरवाजा खुला नहीं। हम वहां अटक गए थे, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया। जब आपने मुझे फोन किया तो आपने दरवाजा खोलने की कोशिश की और दरवाजा अंदर से खुला नहीं। मगर जब हम सब वहां पहुंचे तो दरवाजा अंदर से खुल गया और उसी वक्त
वो भीड़ भी इकट्ठा होगी, है ना अभय? तुम कहना क्या चाहती हो? समझ क्यों नहीं रहे आप अभय? वो गुंडे गौरी के पीछे आए थे, मगर मारा उन्होंने आपके सर पे। आप बेहोश हो गए मगर गौरी को कुछ नहीं हुआ, और फिर वही गुंडे गौरी को आपके पास छोड़ के चले गए। तो गुंडे तुम्हें छोड़कर चले गए जो तुम्हारे पीछे पड़े थे, और गुंडों ने अभय के साथ तुम्हारे लिए लड़ाई भी की, लेकिन तुम तो अकेले सही सलामत अभय के साथ पाई गई ना? कैसे? तुम्हारी कहानी में ना कोई दम नहीं है। वैसे वो गुंडे तुम्हें कैसे छोड़ दिए? क्योंकि इसकी सोची समझी चाल थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इस नौटंकी को हम सच मान लेंगे? तुम्हारा पता नहीं, लेकिन हम अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम अभी के अभी अपना सामान उठाओ और इस घर से बाहर निकलो, ना तुम्हें धक्के मार के हम इस घर से। मम्मी जी, ठीक तो है ना मम्मी जी? मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को तुमने चोट पहुंचाने की कोशिश भी की है ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी असलियत सबके सामने बाहर आ चुकी है। सबको पता है कि तुमने अभय को फंसाने के लिए ये सब कुछ जानबूझकर किया है। तो फिर अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप अपना सामान बांधो और निकल जाओ यहां से। भोले चेहरे और मीठी बोली के पीछे टेढ़ी खीर है ये लड़की। इतनी सी धमकी से इसका कुछ नहीं होगा। हमें माफ कर दीजिए, लेकिन जब अभय जी ने हमारी मांग भरी तब हमने ही कहा था कि हमारे लिए ये सिंदूर लाल रंग से ज्यादा कुछ भी नहीं, लेकिन आज यही सिंदूर समाज में हमारी पहचान बन चुका है। अभय जी की पत्नी के रूप में कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि अब आप लोग हमारे बारे में चाहे कुछ भी बोले या कुछ भी सोचे, हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। पागल हो गई हो क्या? क्या बकवास कर रही हो? इसमें हमने गलत क्या कहा भाई जी? मजाक कर रही हो ना तुम? माँ, आपने बताया नहीं इसको मजाक करने की आदत है। ये तुम्हारे ही शब्द थे ना कि तुम्हारे लिए सिंदूर सिर्फ एक लाल रंग है, मेरी पत्नी सिर्फ श्रद्धा रहेगी। बोला था या नहीं? हाँ, लेकिन तब हमने समझ नहीं थी ना भाई जी। अब हम सिंदूर की अहमियत समझ गए हैं। अब यही हमारी पहचान है, आपकी पत्नी होने की निशानी। गौरी, अभय, आखिर तुम्हारा ये
भोले चेहरे वाला मुखौटा उतर ही गया ना। उतरना तो था ही, क्योंकि इंसान की असलियत ज्यादा दिन तक नहीं छिपती। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब झूठ बोल के हमारे बेटे को फंसा लोगी? अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, अभी के अभी तुम बाहर निकलो इस घर से। हमारे पति जहां, हम भी वहीं पर आएंगे ना मम्मी जी। वैसे भी अब तो तन मन धन से पति है ये हमारे। इसे ना इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। चलो तो चल। श्रद्धा जी अपनी बहन को समझाइए, बेकार में समाज में इस घर की बदनामी होगी। आप तो समझते हैं ना। ये सब तुमने जानबूझकर किया है ना, जानबूझकर तुमने उन मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया। माँ, इसकी असलियत पहचानने में आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हैं? कहां से उठा के लेकर आए इसे हमारे घर में? बोलिए माँ, इसे जाने के लिए कहिए अभी। माँ जी हमारे खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे। अगर मैंने इसे निकाला तो ये मेरे कैंसर के झूठे नाटक का सच अभी के सामने ले आएगी, ना खुद कहीं की रहेगी ना मुझे रहने देगी। जितनी बकवास करनी है ना कर लो, पर एक बात मेरी कान खोल के सुन, मेरी बीवी सिर्फ श्रद्धा है और वही रहेगी। आपके चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई जी, अब तो हम आपकी पत्नी हैं और हमेशा रहेंगे। हमेशा हमेशा ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकता हूँ, ये क्या कर दिया मैंने? अब आप लोग हमारे बारे में चाहे कुछ भी बोले या कुछ भी सोचे, हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। अरे बाप, चाय। मेरे बिना कुछ बोले हमेशा तुम्हें कैसे पता चल जाता श्रद्धा, और ले आती मेरे सर दर्द की दवा। पत्नी ही समझ पाती है ना पति के सिर दर्द की दवा। श्रद्धा, क्या हुआ भाई? इससे पहले मैं इसे धक्के मार के इस घर से निकालूं और इसकी ये चाय खिड़की से बाहर फेंकूं, इन दोनों को लेकर जाओ यहाँ से। अरे अरे फेंकिए मत, हम पी लेंगे। वैसे भी एक ही प्याली में चाय पीने से पति पत्नी में प्यार बढ़ता है ना? बिल्कुल सही कह रही हो तुम गौरी। क्या कर रही हो तुम? अभय, मैं एक पत्नी को उसके पति के करीब आने का, उसकी सेवा करने का मौका दे रही हूं। हाँ तो फिर चलो मेरी अलमारी साफ करो। चलो चलो
सॉरी सॉरी। गौरी तुम ये काम करो, मैं अभी आती हूँ। लेकिन अभी झाड़ू पोछा तो बाकी है। देखो तुम्हें अपनी पत्नी होने का फर्ज पूरा करना है ना, तो अब जल्दी से ना इस कमरे की भी सफाई कर दो। वो क्या है कि अभय को कमरे में जरा सा भी दाग पसंद नहीं है, तो ये लो कमरे का कोना कोना साफ कर देना। ये लो पकड़ो। हाँ बिल्कुल, घर एकदम चमकना चाहिए। गंदगी से ना मुझे सख्त नफरत है। और अबे मुझे तो घर में भी बिल्कुल गंदगी बर्दाश्त नहीं है, और मैं इस घर में जरा सी भी गंदगी नहीं रहने दूंगी। शुरू करो ना, देखो कितना गंदा है। शुरू करो जल्दी। क्या कर रही हूँ, दरवाजा बंद करो, पागल आ जाएगी। जो पति का कमरा, वही तो हुआ ना पति का कमरा भी, आज से हम भी यही सोएंगे। ये कमरा आज भी मेरा, और फैसला भी मेरा होगा इस कमरे में रहेगा कौन। निकलो यहाँ से। फिर पति को बाहर नहीं निकाल सकते अभय जी। जितनी बार भी खुद को मेरी पत्नी बोल लो, पर सच ये है कि मेरी पत्नी श्रद्धा है, थी और हमेशा रहेगी। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।